आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पावर्स को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इस वीडियो में यह भी सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके आर्गुमेंट और मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में कैसे देखा जा सकता है। बच्चों, मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया हुआ है यहां, और यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। अब इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका ओरिजिन से दूरी तो 1 यूनिट ही हो जाएगा। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस सर्कल पे रख दिया है, स्पेशली मैंने z को 1 ही मान लिया है। तो अब अगर मेरा z कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो z का स्क्वायर का क्या होगा ये मैं यहां पे देख सकता हूं, z का स्क्वायर भी 1 ही होगा। मैं अब z को थोड़ा सा चेंज करता हूं, मेरा z अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरा z अभी भी अपने मैग्नीट्यूड को 1 के काफी करीब रखे हुए है, और z का स्क्वायर जो हुआ वो मैग्नीट्यूड को तो 1 ही रखा रहा लेकिन आर्गुमेंट अपना डबल कर चुका है। इसका मतलब जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो उसका आर्गुमेंट जो है वो डबल हो जाता है। एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर होता है, लेकिन मैंने क्योंकि अपना z कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट मैग्नीट्यूड का लिया है उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो अब मैं काम करता हूं, मैं z को थोड़ा सा और ज्यादा मैग्नीट्यूड देता हूं। लेट्स कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ z एज 2, राइट? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी क्लोज टू 2। अब अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मैग्नीट्यूड 2 रखा तो z स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर, राइट? z स्क्वायर मतलब ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, जबकि z स्क्वायर का आर्गुमेंट z के आर्गुमेंट का डबल है। तो अगर आप ये एंगल यहां पे ध्यान से देखो तो इस एंगल का डबल एंगल इस ग्रीन लाइन ने बना रखा है। अब मैं जरा इसके पोजीशन को और चेंज करता हूं। अगर मैंने पोजीशन को चेंज किया तो आप देख पाएंगे कि z की लंबाई, दैट इज लेंथ ऑफ दिस रेड लाइन सेगमेंट इज व्हेन स्क्वायर्ड टू 8, मुझे इस ग्रीन लाइन सेगमेंट का लेंथ मिल जाएगा। मतलब रेड लाइन सेगमेंट का जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ग्रीन लाइन सेगमेंट का लेंथ मिल जाएगा। और रेड वाले लाइन सेगमेंट ने जो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाया है इसका डबल कर दीजिए, जेड स्क्वायर का एंगल मिल जाएगा। मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इज 2 times आर्गुमेंट ऑफ जेड। कुछ और पोजिशन पे जेड को लोकेट करके मैं जेड स्क्वायर को दिखाना चाहूंगा। अगर मैं जेड को ओरिजिन के करीब ला रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट तो सेम है, केवल मैग्नीट्यूड को मैं चेंज करना चाहता हूं। देखिए, मैंने आर्गुमेंट को अभी सेम रखा है, केवल मैग्नीट्यूड को कम करते जा रहा हूं। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड कम करते जा रहा हूं इन लाइन सेगमेंट्स का लेंथ केवल कम होते जा रहा है, दे आर कमिंग क्लोजर टू ओरिजिन। अब जैसे ही मैंने लाइन सेगमेंट्स का लेंथ 1 यूनिट रखा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इसलिए दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ के नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं और कम करूंगा आप देखेंगे कि ये ग्रीन लाइन सेगमेंट और छोटा हो जा रहा है रेड के कंपैरिजन में, क्योंकि जब जब मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो जाता है तो उसका स्क्वायर और भी कम वैल्यू लेने लग जाता है। तो अब मैं जेड को इमेजिनरी एक्सिस पे ही रखता हूं। अब अगर मैंने z को इमेजिनरी एक्सिस पर रखा तो z स्क्वायर तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा और वो रियल नंबर पे होगा। तो मैंने z को 2 से थोड़ा सा ज्यादा रखा है इमेजिनरी यूनिट में, मतलब z की वैल्यू 2i से थोड़ा सा ज्यादा है, तो z स्क्वायर की वैल्यू -6 से थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। अब मैं अगर z का क्यूब कर दूं तो क्या होगा, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो मैंने z के पोजीशन को थोड़ा सा यहां रखा, मतलब z का आर्गुमेंट 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, तो z के स्क्वायर का आर्गुमेंट 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा। z का मैग्नीट्यूड 1 से थोड़ा ज्यादा है तो z के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1 के दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी के स्क्वायर से भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब अगर मैं यही z क्यूब कहूं तो क्या होगा, z क्यूब का आर्गुमेंट 3 times हो जाएगा। तो अगर रेड लाइन सेगमेंट ने थीटा एंगल बनाया है तो ग्रीन लाइन सेगमेंट अब 3 theta एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज 3 theta। नाउ अगर इसका लेंथ r है तो z क्यूब का लेंथ क्या हो जाएगा, r क्यूब।
चलिए जेड रेस्ट टू द पावर 4 भी देख लेते हैं लगे हाथ। जेड रेस्ट टू द पावर 4 के लिए जो भी जेड का एंगल है उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जेड क्यूब का ये पूरा एंगल 4 थीटा हो जाएगा, और अगर इसका लेंथ आर है तो जेड क्यूब का लेंथ आर रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको आर रेस्ट टू द पावर 4 नजर आने लग जाएगा। अभी जेड यहां है, जेड रेस्ट टू द पावर 4 यहां हो जाएगा। Z का x एक्सिस से जो एंगल होगा, Z पावर 4 का x एक्सिस से जो एंगल होगा वो 4:1 के रेशियो में होंगे। सिमिलरली अगर मैं Z की वैल्यू और 1 के काफी करीब, तो Z रेस्ट टू द पावर 4 इस पोजीशन पे आ जाएगा। Z रेस्ट टू द पावर 5, Z रेस्ट टू द पावर 6, Z रेस्ट टू द पावर 7, Z रेस्ट टू द पावर 8, Z रेस्ट पावर 9, 10, 11, 12। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि Z के पावर धीरे धीरे करके बढ़ने से क्या होगा। Z का एंगल थीटा था तो Z स्क्वायर का एंगल 2 थीटा, अब ये 3 थीटा, 4 थीटा, राइट, 5 थीटा, 6 थीटा, 7 थीटा, 8 थीटा, 9 थीटा, 10 थीटा, 11 थीटा, 12 थीटा एंड सो ऑन सो फोर। हर बार मैग्नीट्यूड में एक आर और मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मैंने जेड का मैग्नीट्यूड आर माना है और हर बार आर्गुमेंट में एक थीटा और जोड़ जा रहा है। तो हमने इंट्यूटिवली ये देखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और मैग्नीट्यूड में क्या इंपैक्ट होता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पावर को इंक्रीज करता है।